एक और नोटिस आ चुकी है आरआरसी ग्रुप डी की तरफ से, जिसमें क्या लिखा गया है, क्या पढ़ाया गया है, आपको क्या समझना है। जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम दिए हुए बच्चे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, बहुत ध्यान से देखिए और इसको किस तरीके से फॉलो अप करना है ध्यान से जानकारी को पूरा सुनिए। सिर्फ आपके बहुमूल्य 2 मिनट लेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। CENRRC 01-2019 लेवल 1 पोस्ट यानी कि ग्रुप डी का एडवर्टीजमेंट नंबर यहां दिया हुआ है और उसके बाद कहता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि PET के रिजल्ट डिक्लेरेशन से संबंधित एक नोटिस एक यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं। कह रहा है द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द PET बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है CBT हुआ है, कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 17th ऑफ अगस्त 2022 टू द 11th ऑफ अक्टूबर 2022 यानी कि 17 अगस्त 2022 से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम चले, उससे संबंधित ये नोटिस यहां पर है और इसमें आगे लिखा है शेड्यूल टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 15 OORs ऑन 17/7/12/2022। कहने का मतलब यह है कि 7 दिसंबर 2022 को 3 बजे के बाद आफ्टर 15 OO 3 बजे के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आगे कहता है कैंडिडेट्स कैन व्यू दियर परसेंटाइल मार्क्स, वो अपने परसेंटाइल मार्क्स को देख सकते हैं एंड द शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस फॉर द PET लॉगिंग यानी कि जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होना है उसके लिए लॉगिंग करके देख सकते हैं थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो यहां पर लिंक दिया है उस पर लिंक पर क्लिक करके वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं PET के लिए नहीं हुए हैं देख सकते हैं। आगे कह रहा है एंटरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द डेट ऑफ बर्थ लाइक दिस। अब देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ये नोटिस बिल्कुल तरीके से जायज है और नीचे इसमें डेट भी लिखी थी 5 दिसंबर 2022 यानी आज की ही डेट लिखी थी। अब हुआ क्या भाई, जैसा कि ये कह रहा है कि गिवन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs, RRBs की सारी वेबसाइट देख ली मैंने, किसी में भी ऐसा कोई लिंक नहीं दे रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ऐसे बहुत सारे नोटिस जो है इस वक्त वायरल होंगे ग्रुप डी के विद्यार्थियों के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं ये नोटिस एकदम का एकदम फेक नोटिस है, भरोसा नहीं करना है ऐसी नोटिस पर। आपको जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं मिलता है आप किसी भी तरीके से पैनिक मत हो। इस नोटिस को सर्कुलेट करने का माध्यम सिर्फ यह है कि बच्चों को पैनिक किया जाए, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल फेक नोटिस है, बिल्कुल किसी भी तरीके से RRB ने ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस एनरोल रजिस्टर्ड नहीं की है। तो ये नोटिस जो है जिसमें डेट्स लिखी हैं बिल्कुल का बिल्कुल फेक है। इसी प्रकार से आपको करना बस ये है कि रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए आपको ज्वाइन करना है पाठशाला रेलवे एग्जाम, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को पाइए। थैंक यू सो मच।